नमस्कार दोस्तों, आपकी खबर बॉलीवुड से। माधुरी दीक्षित ने मुंबई में खरीदा 53वें फ्लोर पर नया अपार्टमेंट, मिली 7 कार पार्किंग स्पेस, जाने कीमत। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित इन दिनों अपनी अपकमिंग अमेजन प्राइम वीडियो ओरिजिनल मजामा को लेकर खूब में खबरों में है। मजामा रिलीज के नज़दीक है और इसके ट्रेलर और गाने आदि दर्शकों को पसंद आ रहे हैं। इस बीच माधुरी दीक्षित को लेकर एक खबर आ रही है कि उन्होंने मुंबई में नया अपार्टमेंट खरीदा है। माधुरी का ये अपार्टमेंट मुंबई के लोअर परे इलाके में स्थित है और 53वीं मंजिल पर है। माधुरी दीक्षित का नया अपार्टमेंट। जैकी की एक रिपोर्ट के मुताबिक माधुरी दीक्षित ने मुंबई के लोअर परे इलाके में नया अपार्टमेंट खरीदा है। इस अपार्टमेंट की कीमत 48 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रॉपर्टी इंडिया बुल्स ब्लू प्रोजेक्ट में है और 28 सितंबर 2022 को इसकी रजिस्ट्री हुई थी। माधुरी की ये अपार्टमेंट 53वें फ्लोर पर है और 5384 स्क्वायर फीट है। इस अपार्टमेंट के साथ माधुरी दीक्षित को 7 कार पार्किंग स्पेस मिली है। इस अपार्टमेंट के सेलर कैलीज लैंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड हैं। वर्ली में लीज पर ली एक प्रॉपर्टी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माधुरी ने वर्ली के इंडिया बुल्स ब्लू बिल्डिंग में लीज पर भी एक प्रॉपर्टी ली है। बताया जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी 29वें माले पर है और इसके लिए माधुरी दीक्षित ने 3 करोड़ रुपए का डिपॉजिट किया है, जो हर साल 5% बढ़ेगा। ये प्रॉपर्टी 5500 स्क्वायर फीट में फैली है। याद दिला दें कि पिछले साल अक्टूबर में माधुरी दीक्षित ने 3 साल के लिए मुंबई में एक घर किराए पर लिया था। माधुरी किराए के घर के लिए हर महीने 12.5 लाख रुपए किराया दे रही थी। माधुरी दीक्षित ने हिंदुस्तान से की खास बात। गौरतलब है कि धक धक गर्ल कहलाने वाली माधुरी दीक्षित अपने बेहतरीन अदाकारी और दिलकश अंदाज से सभी का दिल जीत लेती हैं। माधुरी आखिरी बार वेब सीरीज द फेम गेम में नजर आई थी, जिसे दर्शकों ने काफी प्यार दिया था। इसके बाद अब माधुरी दीक्षित जल्द ही अमेजन प्राइम वीडियो कल मजामा में नजर आएंगी और रिलीज के पहले उन्होंने हिंदुस्तान से खास बातचीत की और कई सवालों के जवाब दिए। तो ये थी खबर बॉलीवुड की बहुचर्चित अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को लेकर। ऐसी और कई सेलिब्रिटी न्यूज़ लेकर हम हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स भी ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।